दोस्तों आईपीएल 2022 में दो नई टीमें और जुड़ने वाले, जिनमें पहली टीम लखनऊ है तो वहीं दूसरी टीम अहमदाबाद रहने वाली है। आपको बता दूं बीसीसीआई के नए रूल्स के आधार पर दोनों नई टीमें जो हैं आउटसाइड से तीन बड़े प्लेयर खरीद सकते हैं मेगा ऑक्शन से पहले। तो अहमदाबाद ने तीन बड़े नाम सामने रख दिए हैं। आखिर वो तीन नाम कौन से और कौन से वो खिलाड़ी रहने वाले जिनको अहमदाबाद टारगेट करने वाली है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहले खिलाड़ी हैं गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर में उनका नाम शुमार होता है, वो कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या। इनसाइड रिपोर्ट्स का दावा है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस रिलीज करने वाली और अपने स्क्वाड में शामिल नहीं करेगी, जो कि शॉकिंग न्यूज जरूर है, लेकिन अहमदाबाद के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर हार्दिक पांड्या को टीम रिलीज करती है तो 100% इस खिलाड़ी को अप्रोच करने वाली अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद के लोकल प्लेयर और काफी बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्म भी करते। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या पहले खिलाड़ी हैं जिनको अहमदाबाद आउटसाइड से अपने स्क्वाड में शामिल करेगी। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल 2022 में नहीं खेलेंगे बल्कि मेगा ऑक्शन में आएंगे, उससे पहले ही अहमदाबाद अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। वहीं तीसरे जो खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर है। जी हाँ, श्रेयस अय्यर। इनसाइड रिपोर्ट का दावा कि श्रेयस अय्यर को भी दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करने वाली है। अगर इस खिलाड़ी को रिलीज करती है ये टीम तो फिर अहमदाबाद अपने स्क्वाड में इस खिलाड़ी को आउटसाइड से खरीद कर अब इनको कप्तानी सौंप दे। वहीं अगर हम टारगेट प्लेयर की बात करें तो टारगेट प्लेयर में पहला जो नाम सामने आ रहा है स्टीव स्मिथ का है, क्योंकि स्टीव स्मिथ आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल के लिए खेले थे और उस टीम में अब इनके लिए जगह नहीं है। तो इस खिलाड़ी को रिलीज करेगी और मेगा ऑक्शन में इन पर बोली लगाकर अहमदाबाद टीम अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है। वहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के भाई हैं और इनको मुंबई इंडियंस तो रिलीज करेगी और अहमदाबाद अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। वहीं तीसरे जो खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। जी हां, कुलदीप यादव चाइना मैन के नाम से जाने जाते हैं और काफी बेहतरीन स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन आईपीएल 2021 में इनको ज्यादा चांस नहीं मिला था क्योंकि वरुण चक्रवर्ती उस टीम में शामिल हो गए थे। वहीं चौथे खिलाड़ी की बात करें तो जेसन रॉय है। जेसन रॉय ओपनर बल्लेबाज है और काफी बेहतरीन विकल्प रहेगा अहमदाबाद के लिए। वहीं पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो पृथ्वी शाह है। पृथ्वी शाह को भी दिल्ली कैपिटल रिलीज करने वाली है, तो ओपनर के तौर पर पृथ्वी शाह को अहमदाबाद अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। वहीं छठे और आखिरी टारगेट प्लेयर की बात करें तो कोई और नहीं ऑरन फिंच है। ऑरन फिंच एक ऐसे जो टॉप ऑर्डर और ओपनर बल्लेबाज है, फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन विकल्प रहेगा अहमदाबाद के लिए और ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ, जेसन राय और ऑरन फिंच को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में अहमदाबाद को शामिल करना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।